इसके बाद मैंने बोला था जी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, मान लो पी के कोऑर्डिनेट हैं X1 Y1, क्यू के कोऑर्डिनेट हैं X2 Y2, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू। अभी हम वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम ए पी टू क्यू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो हमने क्या किया था जी, X2 - X1 का स्क्वायर + Y2 - Y1 का स्क्वायर। सेकेंड हमने किया था जी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा था जी सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मान लो ये मेरा ए है ये मेरा बी है। आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप देख लीजिए। मान लो ये मेरा पी पॉइंट है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है ये इसको 1 और 1 के रेशियो में काट रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट है X1 Y1, इसके कोऑर्डिनेट है X2 Y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 × X2 1 × X1, ये हो जाएगा X1 + X2/2, Y1 + Y2/2। ये क्या हो जाएगा जी, पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होता है, X1 + X2/2, Y1 + Y2/2। और सेक्शन फॉर्मूला भी यही होता है, किस रेशियो में ये पॉइंट काट रहा है, क्रॉस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद मैंने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला आपने लिखा। जहाँ उसकी ज़रूरत होगी मैं एक बार फिर प्रूव कर दूंगा। अब हमने कहा था जी हमारे 11th के कोर्स में सबसे पहले आता है व्हाट इज स्लोप। तो सब बच्चों को मालूम है स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोई अप्लाई किया M × X2 - X1, पॉइंट जहां से मेरी लाइन क्रॉस कर रही है, और दूसरा मेरे को चाहिए इसका स्लोप क्या होगा। जब मेरे को दो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी तो मैं किसी भी लाइन को कंप्यूट कर सकता हूँ। आप देखो, चाहे आप 11th का एग्जाम दोगे, चाहे आप 12th का दोगे, चाहे आप JEE मेन का दोगे, चाहे आप प्रीलिम्स का दोगे, तो लाइन को कंप्यूट करने के लिए हमारे को केवल एंड केवल दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा इन दो इंफॉर्मेशन को कहाँ से लिया जाए। जब आपको ये दो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, लाइन कैन बी कंप्यूटेड। देखो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बोला था जी आपने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। पहली टाइप थी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 7 9 एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 2। आपने कोई भी लाइन कंप्यूट करनी है विच पासिस थ्रू 7 9 और उसका स्लोप है 2। मैंने कहा था जी एक हमें पॉइंट चाहिए जहां से लाइन क्रॉस कर रही है, और एक हमारे को एम की वैल्यू चाहिए। इसने पॉइंट भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, तो हम क्या कहते हैं जी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, Y - Y1 M × X - X1। X1 Y1 कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से लाइन क्रॉस कर रही है, X1 की वैल्यू Y1 की वैल्यू, तो Y - 9 M × X - 7। हमने क्या किया जी, Y - 9 M का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू दे रखी है 2, X - 7, तो हमारी लाइन क्या आ जाएगी, Y - 9 2X - 14। जिधर X है सबको उधर ले जाओ, 2X - Y - 5 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है जी, AX + BY + C = 0। अब मैं आता हूं इस कॉन्सेप्ट का उल्टा। मेरे को लाइन दे रखी है लेकिन मुझे स्लोप बताना है, तो स्लोप क्या होता है बेटा, -A/B, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन -A/B। टेंजेंट लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो m क्या होता है, -A/B। आपको देखो जी m की वैल्यू क्या होगी, -A/B की वैल्यू क्या है जी, -1, क्या हो गया जी 2। हमें देख लो जी m क्या दिया हुआ था, 2।
मुझे किसी भी लाइन में एम दिया हुआ है तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं जी कोई लाइन दी हुई है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, हम वो भी कंप्यूट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, आज शायद थोड़ा सा ही नया पॉइंट किया, बाकी सारा का सारा लास्ट क्लास वाला रिपीट किया। हमने लास्ट क्लास में ये भी किया था टाइप्स ऑफ लाइन क्या होते हैं। तो आपने बहुत सारी की थी जी, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रही है, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस से क्रॉस कर रही है। हमने ये भी किया था जी दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रही है, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी क्रॉस कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते थे जी टाइप ऑफ लाइन। हमने चार तरह की थी टाइप ऑफ लाइन। इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करके फिर मैं क्वेश्चन करूँगा, एंड आई एम श्योर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले अगर हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन करना मैथ में इज नॉट ए प्रॉब्लम। देखो बेटा जी, हमने क्या किया, हम करते हैं कंडीशंस फॉर लाइंस, नंबर वन बीइंग पैरेलल। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी। आप देखो पहले तो प्रैक्टिकली देखो जी, पैरेलल लाइन क्या होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स बार है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई बार है। मान लो कोई भी लाइन यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और सेम वे में ये वाली लाइन भी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल। मतलब इस लाइन का स्लोप, ये मेरी एल वन है, ये मेरी एल टू है, ये दोनों लाइंस पैरेलल क्या होंगी अगर दोनों के स्लोप्स इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे जी, इफ स्लोप्स आर इक्वल वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। अगर कोई भी दो स्लोप बराबर है, मैं ये भी कह सकता हूं एम वन इक्वल टू एम टू। एम वन का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन वन, M2 का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन 2। अगर मेरी पहली लाइन का और दूसरी लाइन का स्लोप बराबर है तो नेचुरल सी बात है मैं क्या बोलूंगा, दोनों की दोनों लाइंस के पैरेलल। अब देखो जी, हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे को क्या करना होता है, लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो कोई भी पॉइंट जहां से लाइन क्रॉस कर रही है, और दूसरा उसका स्लोप। अगर मेरे को ये दो चीजें मालूम हो जाएं तो मैं लाइन कंप्यूट कर सकता हूं। आप कभी भी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, साइंस के बच्चे हैं तो साइंस वाले देखा करो, कॉमर्स के बच्चे हो तो कॉमर्स वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखा करो, तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछता है बताओ ये लाइन पैरेलल्स हैं कि नहीं है। तो ये सब चीजें हमें क्या करना होता है, देखो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड लाइन, फाइंड लाइन पैरेलल टू 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड पासिस थ्रू -7 -3। वो कह रहे जी हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन कंप्यूट करना है जो इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है और इस लाइन के साथ पैरेलल है। मैं क्या करता हूं जी, लेट इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन मुझे कंप्यूट करनी है, मैंने मान लिया उसकी इक्वेशन क्या है, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन कोई भी वो पॉइंट है जहां पे हमारी लाइन क्रॉस कर रही है, लाइन पासिस थ्रू -7 -9। तो हम करेंगे वाई प्लस 9, एम मुझे मालूम नहीं है, एक्स प्लस 7। तो मेरी लाइन क्या होगी जी, वाई प्लस 9। देखो मैं यहां लिखता हूं बेटा वाई प्लस 9 और एम इंटू एक्स प्लस 7। अब ये वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन इसके, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, वो गिवन लाइन के साथ पैरेलल है, तो
तो जो इसका स्लोप आएगा भाई इसका स्लोप आना चाहिए, इसका स्लोप क्या है माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए अपॉन बी हो गया बेटा माइनस थ्री अपॉन फोर। तो क्योंकि इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी है इसका भी सेम आएगा वाई प्लस नाइन इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस सेवन। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, देख लो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, वाई प्लस नाइन हमने लिखा वाई प्लस नाइन ये हो गया माइनस थ्री अपॉन फोर और इंटू एक्स प्लस सेवन, इंटू एक्स प्लस सेवन। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू वाई प्लस नाइन माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस सेवन, ये हो गया फोर वाई प्लस थर्टी सिक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई और माइनस में माइनस ट्वेंटी वन इधर आएगा तो ये हो जाएगा फिफ्टी सेवन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फिफ्टी सेवन इक्वल टू जीरो। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर ठीक है या गलत है, आप देखो बेटा इसका स्लोप क्या है माइनस थ्री अपॉन फोर, जो मेरे को गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या था माइनस थ्री अपॉन फोर, दोनों लाइन्स क्या है पैरेलल, तो मेरा आंसर वेरीफाई हो गया कि मुझे जो चीज़ कंप्यूट करनी थी क्या वो प्रॉपर वे में मैं कंप्यूट कर पाया कि नहीं कर पाया। देखो जी एक क्वेश्चन आप करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं फाइंड लाइन पैरेलल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड पासिस थ्रू सिक्स एंड सेवन। अब देखो जी फाइंड लाइन पैरेलल टू दिस वन एंड पासिस थ्रू सिक्स सेवन, लाइन क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी बेटा वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू सेवन एम इंटू एक्स माइनस एक्स की वैल्यू सिक्स। एम क्या होगा ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही का वही इस लाइन का स्लोप होगा, इसका स्लोप कितने है जी माइनस ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू टू बाई थ्री, इसका भी स्लोप वही होगा वाई माइनस सेवन टू अपॉन थ्री एक्स माइनस सिक्स। हम क्या करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू वाई माइनस सेवन टू इंटू एक्स माइनस सिक्स, ये हो गया थ्री वाई माइनस ट्वेंटी वन टू एक्स माइनस ट्वेल्व। तो हम क्या करेंगे जी टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस में नाइन दैट इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस में नाइन दैट इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई जी मेरी रिक्वायर्ड लाइन जो मुझे कंप्यूट करनी थी। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे दोबारा आते हैं जी, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कहा था कोई भी लाइन पैरेलल कैसे होंगी, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर कैसे होगी, तो पैरेलल की कंडीशन क्या है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है स्लोप्स आर इक्वल, अगर दोनों का स्लोप बराबर है तो मैं कहूंगा जी मेरी जो लाइन्स है वो पैरेलल है। अब होते हैं जी परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, आप देखोगे ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा जी इसका स्लोप एम वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टू। तो हम क्या करेंगे जी m1 m2 की वैल्यू आनी चाहिए माइनस वन, अगर m1 m2 की वैल्यू माइनस वन आ रही है तो इसका मतलब है दोनों की दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, अगर m1 इंटू m2 की वैल्यू माइनस वन है तो हम क्या करेंगे बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड लाइन परपेंडिकुलर ऑन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू जीरो एंड पासिस थ्रू माइनस 7 एंड 8। लाइन क्या करते हो जी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मैं बार बार आपको बोल चुका हूं किसी भी लाइन को कंप्यूट करने के लिए ओनली टू इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, एक तो वो कहां से क्रॉस कर रही है एक उसका स्लोप क्या होगा। अब वो कहां से क्रॉस कर रही है ये मेरे को दे रखा है,
वाई माइनस एट एम इंटू एक्स प्लस सेवन। एम कहां से आएगा? ये वाली लाइन और गिवन लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप माइनस टू अपॉन थ्री, इसका स्लोप m, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस वन के बराबर, m1 इंटू एम टू माइनस वन। एम क्या होना चाहिए जी? माइनस वन इंटू थ्री बाई माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री बाई टू। तो y माइनस एट इक्वल टू थ्री बाई टू, क्योंकि ये थी माइनस टू बाई थ्री, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल थ्री बाई टू, और ये हो गया जी x प्लस सेवन। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू इंटू वाई माइनस एट, थ्री इंटू एक्स प्लस सेवन। तो हम ये कह सकते हैं टू वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू वाई, और ये उधर जाके हो जाएगा जी थर्टी सेवन, दैट इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस थर्टी सेवन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस थर्टी सेवन इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है? वो कह रहे हैं फाइंड लाइन पासिस थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम अपनी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो जो कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने आपको क्लियर किए। फाइंड लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग 3, 7 एंड 5, 9 एंड परपेंडिकुलर ऑन 2x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू जीरो। वो कह रहे हैं जी कोई भी लाइन क्रॉस करनी है, इन दोनों के मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है और इसके साथ परपेंडिकुलर है। देखो मेरी लाइन क्रॉस कहां से कर रही है, मान लो ये a है और मान लो ये b है। a के कोऑर्डिनेट्स है 3, 7 और बी के कोऑर्डिनेट से बेटा 5, 9। इनका मिड पॉइंट क्या होगा जी? पी। मिड पॉइंट हो गया 3 + 5/2, 4, 7 + 9/2, 8। तो मेरी जो लाइन है पासिस थ्रू पी पॉइंट, मान लो मेरी एम एन लाइन है पासिस थ्रू पी पॉइंट, तो मैं इक्वेशन क्या करूंगा, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस एट एम इंटू एक्स माइनस फोर। एम क्या होगा? ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, इसका स्लोप क्या होगा? माइनस टू बाई नाइन। तो मेरी लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए जी? रिवर्स एंड रेसिप्रोकल, 9/2 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 9/2 एक्स माइनस फोर। हमने किया जी 2 × y − 8, 9 × x − 4, टोटल हो जाएगा 2y − 16 और 9x − 36, 9x − 2y, 9x − 2y, और ये हो गया जी −20 इक्वल टू जीरो। 9x − 2y − 20 इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे जी? इक्वेशन ऑफ द लाइन जो मुझे कंप्यूट करनी थी। देखो हमने क्या क्या इक्वेशन निकालेंगे, कैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पासिस थ्रू द ओरिजिन है तो क्या करेंगे। देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बुक में भी होगा शायद और पेपर में भी कई बार आया हुआ है। वो कह रहे हैं जी फाइंड लाइन पासिस थ्रू 7, 9 एंड सम ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट्स दैट इज इक्वल टू 9। वो कह रहे जी हमें कोई भी लाइन कंप्यूट करनी है जो इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है और जो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है एक्स एक्सिस से भी क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस से भी क्रॉस कर रही है। मान लो यहां का जो इंटरवेल है दैट इज ए और यहां का जो इंटरवेल है बी, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। ना मेरे को ए की वैल्यू दी हुई है ना मेरे को बी की वैल्यू दी हुई है, बट मुझे ये दिया हुआ है ए प्लस बी की वैल्यू है 9।
दोनों का इंटरसेप्ट का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9। ए क्या हो जाएगा 9 माइनस बी। हम करते हैं एक्स अपॉन ए की वैल्यू 9 माइनस बी, वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया जी, बी इंटू 9 माइनस बी और दैट इज इक्वल टू 1/1। एक्स बी प्लस वाई इंटू 9 माइनस बी ये आ गया। अब आप देखेंगे इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या किया जाए। अब वो मेरे को कह रहे ये जो लाइन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इट पासिस थ्रू द पॉइंट 7 और 9। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 9 है। तो हम क्या करेंगे, 7 अपॉन ए की जगह मैंने क्या लिखा था 9 माइनस बी, वाई की जगह क्या हो गया जी 9 अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी इंटू 9 माइनस बी ये हो जाएगा 7b प्लस 9 इंटू 9 माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको दोबारा लिखता हूं जी 7b और प्लस 9 इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया जी बी इंटू 9 माइनस बी। तो हम क्या करेंगे 7b प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 9b इक्वल टू 9b और माइनस में बी स्क्वेयर। क्या हो गया जी टोटल इधर आ गया बी स्क्वेयर और ये हो गया जी मेरा माइनस 2b प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 9b। कितना हो गया जी बी स्क्वेयर माइनस 11b प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, ए की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे दैट इज द आंसर। ए की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, बी की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, ए और बी की वैल्यू आने के बाद दैट इज द आंसर। जब ये बुक में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर भी करेंगे। अब देखो बेटा हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 पे और बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, अब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं देखो बेटा बुक ओपन कर रहा हूँ, आप भी बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 203 पेज नंबर 203 क्या है जी व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। देखो जी इसने लिखा है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, स्लोप क्या होता है, सब चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई हैं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला सब चीज़ें एज इट इज पहले थ्योरी में लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें आप कर चुके हो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी पेज 207 पे, वो आपसे ये कह रहे हैं जी स्लोप कंप्यूट करना है, लाइन कहाँ कहाँ से पास कर रही है 3-2 और दूसरा पॉइंट है मेरा -1/4। तो हमने कितने सारे क्वेश्चन किए बेटा, स्लोप क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो हम क्या करेंगे, स्लोप की वैल्यू y2 - y1 / x2 - x1 ये हो जाएगा 6/-4 - 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो पहले एग्जाम्पल ने में उसने कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर किया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था, व्हाट इज स्लोप, हाउ टू कंप्यूट स्लोप। तो पहले इसने सारे के सारे पार्ट्स में ओनली स्लोप कंप्यूट किया हुआ है। तो स्लोप कैसे निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा। दूसरा उसने कह दी फाइंडिंग एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, एक लाइन मेरी ये थी एक लाइन मेरी ये थी, दोनों के बीच में मुझे थीटा कंप्यूट करना है, मैं कैसे निकालूंगा।
ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, टेंजेंट थीटा होता है जी एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। इसको मैं अभी प्रूव करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लिख लीजिए एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, मोड लगा देना क्योंकि माइनस में कभी हो नहीं सकता। अब आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज पे, जो कॉन्सेप्ट रह गया होगा उसको हम करेंगे। सबसे पहले बेटा हम करते हैं जोन जोन से क्वेश्चन, मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करता हूँ, बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, उसको आप ट्राई करना, नहीं होगा तो लास्ट में हम कर देंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन कहता है जी ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है जी, ये मेरी कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और मैं अपने पॉइंट्स को मार्क करता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। आप क्या करते हो जी, हूज वर्टिसेस आर माइनस फोर एंड फाइव, ये होता है जीरो एंड सेवन, ये होता है जी हमारा फाइव एंड माइनस फाइव, और ये क्या होता है जी हमारा माइनस फोर एंड माइनस टू। वो कहते हैं जी आपने इन वर्टिसेस को ड्रॉ करना है, आपने कर दिया। अब वो कह रहे जी आपने इसका एरिया भी बताना है, हम इसका एरिया भी बता देते हैं जी। एरिया क्या बताएंगे, हमने एसी को ज्वाइन कर लिया, तो आप सिंपल से बाहर लिख लो जी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप ही करोगे, मैं हिंट दे देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप क्या करते हो जी ए बी सी, दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा टेक्निकली बता देता हूं, आपको क्रैमिंग करने का जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू क्या है थी, मान लो एक्स वन वाई वन, बी की वैल्यू क्या थी एक्स टू वाई टू, सी की वैल्यू क्या थी एक्स थ्री वाई थ्री। सबसे पहले आप एक्स वन ले लो, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है वन बाई टू इंटू, आपने सबसे पहले एक्स वन ले लिया, एक्स वन के सामने वाली साइड को क्या पढ़ोगे बी सी, तो ये मैंने कर दिया जी इसका वाई टू माइनस वाई थ्री, बी का फिर से। उसके बाद हम करते हैं जी, अब हमने लिखा x2, अगर हम x2 लिखते हैं सामने वाली साइड क्या है जी सी ए, कॉन्टीन्यूटी में चलना है बी सी सी ए, सी ए का मतलब है पहले c वाला हो गया y3 माइनस y1, फिर हम करते हैं जी x3, तो x3 के सामने वाला क्या हो गया जी, देखो पहले हमने बी सी लिया, फिर सी ए लिया, फिर ए बी लिया, कॉन्टीन्यूटी में ट्रायंगल को चला दो, x3 के सामने है ए बी, ए बी का मतलब है पहले ए और फिर बी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इतने स्क्वेयर यूनिट दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया कंप्यूट करना है और उन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आ जाएगा दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा क्या होगा जी, दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ भी नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे को कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स बार है, वाई एक्सिस है, वाई बार है, कार्टेशियन फॉर्म पे आपको सब कुछ लाना है। वो कह रहे बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए, वो कह रहे जी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आप बताओ बेटा ट्रायंगल कौन कौन से टाइप की होती है, इक्विलेटरल क्या होती है। हमारी ट्राइंगल के हम जब डिफाइन करते हैं ट्राइंगल को तो दो वेज में करते हैं, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।
देखो ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी गई हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का टारगेट केवल एंड केवल 11th 12th पास करना नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करना है, बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करनी है, एक अच्छे कैरियर का ऑब्जेक्टिव है, तो हमें हर चीज़ को थोरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्या होते हैं जी, सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल होते हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। मान लो ए बी सी, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर मेरी तीनों साइड बराबर है तो मैं कहता हूँ इक्वी। इक्वी का बोलते बराबर, लेटरल का बोलते साइड। अगर मेरी तीनों साइड्स बराबर है तो मैं क्या बोलूँगा, इक्विलेटरल। दूसरा मैं बोलता हूँ जी आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का बोलते जिसकी दो साइड बराबर होंगी। मान लो ये मेरी है 8 सेंटीमीटर, ये मेरी है 10 सेंटीमीटर, ये मेरी है 10 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज को, इस ट्रायंगल को मैं क्या बोलूँगा, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी दो साइड्स बराबर होंगी। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसकी टू साइड्स बराबर होंगी। एक होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी तीनों की तीनों साइड डिफरेंट है। ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड मैं अपनी ट्रायंगल को तीन टाइप से डिफाइन कर सकता हूं, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन का मतलब होता है जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो। आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स बराबर हो। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। एक हमारा होता है जी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे हमारी ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करोगे, एक हमारी होती है सबसे पहले राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, हमने कहा जी ये जो मेरी ट्रायंगल है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये आइसोसेल्स भी हो सकती है, अगर इसकी दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेल्स भी हो सकती है। तो क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक मेरी होती है जी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब होता है छोटे होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो मैंने क्या कहा जी, मैं मान लेता हूँ जी, मान लो ये मेरा 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि एंगल 60 डिग्री के हैं, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर होंगी, तो हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्यूट भी है और इक्विलेटरल भी है। थर्ड मेरा होता है जी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आप ए सी को ज्वाइन कर देंगे, इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, दिस वन। ये हालांकि आपसे नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस चीज का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं जी दोबारा। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग विद वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। ये मेरा मिड पॉइंट है, मेरी लाइन है 2a। इसका मतलब है a इधर है, a इधर है, ये मेरी टोटल साइड कितनी है जी 2a। इधर से मेरी जो C होगी ये भी कितनी होगी जी 2a, क्योंकि सबका डिस्टेंस इक्विलेटरल का मतलब है सबका डिस्टेंस बराबर होगा। ये वाली साइड भी मेरी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये मेरी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो पहला वो कह रहे जी बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद 2a अलोंग विद y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट फाइंड द वर्टिसेस। इसकी वैल्यू क्या होगी जी ए जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी जी माइनस ए जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी जी आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू जीरो,
और वाई की वैल्यू क्या है जी, वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कंप्यूट करनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू क्या है, ये मेरा 2a है, ये मेरा a है, ये मेरा 2a। तो हम क्या करते हैं जी, ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 2a, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a, बेस की वैल्यू a मुझे परपेंडिकुलर कंप्यूट करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया जी मान लीजिए OC, OC का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा जी, 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 3a स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, OC की वैल्यू होगी जी अंडर रूट 3a, तो ये मेरा हो गया जी अंडर रूट 3a, ये हो गया जी दीज आर द वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, और कुछ नहीं पूछा हुआ, दैट्स ऑल। फाइंड द डिस्टेंस, ये तो हो जाएगा आराम से, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज ही सेज फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पे ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजन है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंप्यूट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 76। एक्स एक्सिस पे बेटा मान लो ये पॉइंट है, एक्स के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट होंगे 0, ये पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ ए। अब ये क्या है, P से और Q से बराबर की दूरी पे है, वो कह रहे हैं फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 76 एंड 34, ये दोनों से बराबर की दूरी पे है, अगर बराबर की दूरी पे है तो मैं कह सकता हूं जी ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब इसको करने के दो मेथड हैं, मेथड नंबर 1 क्या है जी, मैंने ए पी का डिफरेंस निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, इधर क्या हो गया जी ए क्यू, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैंने क्या किया जी, दोनों तरफ स्क्वेयर किया, तो ये कितना हो गया जी, स्क्वेयर करूंगा तो 6 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वेयर, हमने कुछ नहीं किया, अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, स्क्वेयर करेंगे तो 6 का स्क्वेयर 36, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फोर का स्क्वायर हो गया जी 16, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आप देखो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये मेरा होता है जी 85 माइनस 14x, ये हो जाएगा जी 25 माइनस 6x, ये मेरा हो गया 60 इक्वल टू 8x, एक्स की वैल्यू क्या होगी जी, एक्स की वैल्यू देख लीजिए, अगर कहीं गलत नहीं है तो 85, 16 और प्लस में 9x स्क्वायर माइनस 6x, 16 प्लस 9 25 माइनस 6x, और हमने क्या किया जी माइनस 14x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 8x और ये हो जाएगा 60, एक्स की वैल्यू होगी जी 60 अपॉन 8, हम कह सकते हैं जी 15 अपॉन 2, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो गया जी 15 अपॉन 2 और 0, दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो हमारा इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, आप सारे लॉजिक्स क्लियर हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन, एक तो यहां से क्रॉस कर रहे जी ओरिजन से,
फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द हॉरिजन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी की वैल्यू है 0.4, ये पी है, और क्यू की वैल्यू है जी मान लीजिए वो कह रहे 80। आपने क्या करना है जी, इन दोनों के मिड पॉइंट से वो पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। एक तो ओरिजिन से लाइन क्रॉस कर रही है ए, एक यहां से क्रॉस कर रही है इसके मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट क्या होते हैं जी, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ये हो गया जी 4, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ये हो गया जी 2। तो कोई भी लाइन जो पास कर रही है 0.0 से और 4.2 से, हमें उसका स्लोप बताना है क्या होगा। ये ए पॉइंट था, ये बी था। वो कह रहे जी एक तो ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, एक इन दोनों के मिड पॉइंट से, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0.4, इसके 8.0, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। मैंने आपको बोला था आज थोड़े से मिड पॉइंट के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो यू मस्ट बी अवेयर। अब इसका स्लोप चाहिए, स्लोप क्या होते हैं जी, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई, दैट इज 1/2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा जी 1/2। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आपने करना है जी, एक तो मेरा ए पॉइंट है 4.4, एक मेरा बी पॉइंट है 3.5, एक मेरा सी पॉइंट है -1 -1। वो कह रहे जी आपने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया, राइट एंगल प्रूव करने की, ये जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल बनेगा, लेकिन आपने पाइथागोरस की थ्योरम को यूज नहीं करना। देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की हमारी कौन कौन सी थ्योरम होती हैं, एक तो हमारी थ्योरम होती है पाइथागोरस, हम कहते हैं जी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। वो कह रहे जी ये आपने यूज नहीं करनी, काट दिया, मार दिया जी काटा, हम इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, अगर हम कहते हैं जी दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम देख लें जी ए बी का स्लोप कितना होगा जी, स्लोप ऑफ ए बी मैं बोलता हूँ जी एम वन। ए बी का स्लोप क्या होगा जी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा जी मेरा 1/-1, तो मैं कह सकता हूं जी -1। दूसरा मेरा हो गया जी बी सी लाइन, बी सी लाइन का स्लोप में निकालता हूं तो क्या हो गया जी एम टू, क्या हो गया जी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया जी मेरा वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया जी -6/-4, ये हो गया जी 3/2। एक मेरा हो गया जी ए सी लाइन का स्लोप एम थ्री। देखो एक मेरा एंगल यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, तो हमने क्या किया जी ए सी लाइन, ए और सी लाइन का स्लोप करोगे। देखो ए सी लाइन का स्लोप कहां करूं मैं, ए सी लाइन का स्लोप इधर देख लीजिए एम थ्री, सी का मतलब वाई टू की वैल्यू -1, ए का -4, नीचे हो गया जी एक्स टू की वैल्यू -1 -4, ये कितना हो गया जी -5/-5, दैट इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, एम वन इंटू एम थ्री दैट इज इक्वल टू -1, एम वन और एम थ्री की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ए बी और ए सी लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कर देंगे जी ए बी और ए सी, ये हो गया जी मेरा ए बी, ये मेरा हो गया जी ए बी लाइन और ए सी लाइन, ऐसे बनाते हैं ना ए बी लाइन और ए सी लाइन। दिस इज कॉल्ड ए बी सी, ए बी लाइन और ए सी लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है मेरा जो ए बी सी ट्रायंगल होगा दैट इज ए 90 डिग्री, और ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा।
मैंने आपको बोला राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अभी डेफिनेशन बताइए। कोई भी ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद सेवन्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये तो हो जाएगा सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कोलिनियर विदाउट मेकिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पैरेललोग्राम। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मैं कर भी दूंगा, आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं जी, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपने प्रूव करना है जी ए बी सी डी, आपने प्रूव करना है ए बी सी डी। ये जो चार पॉइंट दिए हुए हैं, ए की वैल्यू है -2 -1, दूसरा है जी 4 0, तीसरा दिया हुआ है 3 3, और फोर्थ दिया हुआ है जी हमारे को -3 2। वो कह रहे हैं जी विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपने बताना है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है साहब, जिसकी कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अगर मैं ये प्रूव कर दूं इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर मैं ये प्रूव कर दूं इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम करते हैं जी, देखो ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप हो गया जी y2 - y1 / x2 - x1, कितना हो गया जी 1/6। अब मैं करता हूं जी बी सी लाइन का स्लोप, हर एक का स्लोप देखते जाओ, बी सी का स्लोप कितना हो गया जी, आपने किया बी सी y2 - y1 / x2 - x1, ये हो गया जी 3/-1, हम बोलेंगे -3। इसके बाद हमने किया जी सी डी, सी डी लाइन का स्लोप क्या है आप देख लीजिए, सी डी यहाँ दोबारा बना देते हैं, तो आपने क्या किया था जी, ये था ए, ये बी, ये सी, ये डी। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 3, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 - 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0। आपने ए बी का स्लोप निकाला, बी सी का निकाला, अब सी डी का निकाल, y2 - y1 / x2 - x1, क्या हो गया जी -1/6 / 1/6। ऐसे आपने ए डी का निकाला, वो भी आ जाएगा जी -3। तो ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। इन द सेम वे ये दोनों भी पैरेलल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक कंडीशन और भी होती है, या तो दोनों पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, या ऐसा हो सकता है कोई भी एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हम कहते हैं जी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो भी ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, मेरे को इन दो साइड्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इसने बोला हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो इस थ्योरम को हम लोग यूज नहीं करेंगे डिस्टेंस वाली को, हमने केवल ये बताना है सेकेंड कंडीशन होती है दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। देखो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आप कर पाओगे, फिर हम आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे, और जो जो मेन मेन क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूं, बाकी आप लोगों ने ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहे हैं जी, देखो वो कह रहे ए लाइन पासिस थ्रू, ए पॉइंट दिया हुआ है मेरे को x1 y1, ए दिया हुआ है मेरे को x1 y1, और बी मेरे को पॉइंट दिया हुआ है एच के। वो कह रहे जी आपने इसकी लाइन बतानी है क्या होगा।
अब आप देखो जी, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वाई टू माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन था ना, तो हमने किया जी के माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एच माइनस एक्स वन। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू एच माइनस एक्स वन के माइनस वाई वन। हम क्या करेंगे, k माइनस वाई वन एम इंटू एच माइनस एक्स वन, यही प्रूव करनी थी। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करके भी दिखाए हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को दोबारा से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करेंगे, और हमारी क्लास होती है बेटा MWF। देखो मैंने आपको दो तीन बारी पहले भी अपील किया है कि आप लोग रेगुलरली क्लास देखा करो, डेफिनेटली आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी स्कोरिंग बहुत इम्प्रूव होगी, आपका रैंक बहुत इम्प्रूव होगा, और फ्यूचर में आप किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो तो नेचुरली ये मेरी क्लासेज आपको हर जगह हेल्प करेंगी। आप खुद भी जुड़ो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जितना हमारे से हो पाएगा हम आपको मैक्सिमम आउटपुट देंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू डे आफ्टर।